हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? और स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। तो ये रही अपनी डाटा पंच। तो मैं इस वीडियो में, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है उसके बारे में हमको डिटेल्स चाहिए कि बेसिकली उसमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या नहीं मिल रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ, सारी जो चीज़ें आपको उसमें ऑफ़र करी जाती हैं। और मुझे लगता है टाटा पंच का ये एडवेंचर वेरिएंट जो है, इसमें भी भाई बहुत ही कमाल कमाल के यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। हालांकि जो टॉप मॉडल है वो तो फुली लोडेड आता है, जो आपका क्रिएटिव आ जाता है, अकम्प्लिश तक आपको यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। तो अगर मैं इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कहते हैं पार्शियल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी कि ये एनालॉग प्लस डिजिटल है। एनालॉग में आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पे ये दो चीज़ें मिलती हैं। बाकी जितना भी डेटा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का वो डिजिटल मोड में दिया जाता है, जो कि ये स्क्रीन है छोटी सी MID। अब मैं गाड़ी मेरी पूरी की पूरी अभी मैंने बंद ही रखी है, अब मैं चालू करता हूँ आपके सामने और आपको बहुत सारी वार्निंग लाइट्स दिखेंगी और बहुत कुछ जो भी हर गाड़ी में आप देखते हो। तो पहली चीज़ तो ये जो लाइट ब्लिंक हो रही है, ये इंजन इमोबिलाइजर सेंसर लाइट है, ये हमेशा ब्लिंक होती रहेगी जब आपकी गाड़ी बंद होगी। तो अब मैं ये देखो, मैंने चालू किया, कितनी सारी लाइट्स यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे वो लाइट्स चली गई। तो यहाँ पे ये है आपकी इंजन लाइट, इंजन चेक लाइट, और ये बैटरी लाइट, यहाँ पे आपका ऑयल, यहाँ पे आपका, मैं अभी ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो वो चीज़ वहाँ पे दिखा रहा है कि सीट बेल्ट का साइन है, और यहाँ पे आपका पार्किंग ब्रेक का। और भी जो लाइट्स आ रही थी इनके अलावा, जो लाइट्स आ रही थी वो थी कुछ यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अब जो बीच में आप MID स्क्रीन देख रहे हो, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं गाड़ी में कोई भी लाइट्स ऑन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरफ अभी कुछ भी, लो बीम मैंने ऑन किया है तो लो बीम का यहाँ पे कुछ नहीं दिखाता कि लो बीम ऑन है, बट जब आप उसको हाई बीम कर दोगे तो ये देखो हाई बीम का यहाँ पे एक लाइट आ जाता है कि ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइट अभी हाई बीम पे है। अगर आपको वो हटानी है तो आप सिंपली वो लो बीम करोगे तो लो बीम का ऐसा कोई साइन नहीं दिखाएगा, बट स्टिल हाई बीम का वो चीज़ दिखाता है यहाँ पे। और मैं बात करूँ टर्न इंडिकेटर्स की, तो आप ऊपर वो साइन बना हुआ देख ही रहे हो, तो वहीं पर लाइट आएगी, ये देखो, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी जब आप चालू करते हो वो ऑटो मोड में होती है कि वो सिटी मोड में पहले से ही होती है। आप उसको इको मोड में रख के गाड़ी बंद करोगे तो भी जब वापस चालू करोगे तो वो अपने आप ही सिटी मोड में ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अभी करेंटली इस MID में क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, तो यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बीच में MID में देखते हो तो आपको सबसे क्या क्या डेटा दिखाता है इसमें, तो यहाँ पे 6:05 PM यानी कि टाइम दिखा रहा है ऊपर। ये है डिजिटल में आपका फ्यूल गेज, ठीक है। यहाँ पे आपको सिटी मोड दिखा रहा है जिसको आप इको मोड में भी चेंज कर सकते हो, ये जो बटन आपको दिया है इसको आपको प्रेस करना है, गाड़ी इको मोड में आ जाएगी और कुछ ऐसा छोटा सा आवाज़ आएगा, जब उसको वापस सिटी मोड में डालोगे वो फिर से आवाज़ आती है। उसके बाद आपको एवरेज ए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, उसी के साथ साथ आपका नीचे ट्रिप ए दिखाएगा इस तरफ। यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज दिखा रहा है गाड़ी का कि कितना गाड़ी अभी गर्म हुई है, अभी 3 पॉइंट दिखा रहा है, जो कि नॉर्मल चीज़ है, और इस लेवल को बोलते हैं इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है। अब ये इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ 0 दिखा रहा है, यहाँ 30 KMPL दिखा रहा है। जब आप सिटी में इसको चलाओगे ये कुछ हाफ या फिर उससे कम रहता है, बिकॉज आप एक्सेलरेशन करते हो, ब्रेकिंग करते हो, तो जब आप एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग करते हो ना तो ये घटते जाता है, बट ये जितना 30 की तरफ रहेगा उतना आपकी गाड़ी का माइलेज बेटर आपको मिलेगा। इसलिए जब भी आप अपनी टाटा पंच को हाईवे पे चलाओगे, एक 70 की स्पीड अपनी उस पर मेंटेन रखोगे, अपना गियर्स भी 5वें में रखोगे, तो आपका हल्का पंजा रखा रहेगा, गाड़ी जाती रहेगी ना, तो ये जो पॉइंट है ये 20 यहाँ पे 30 के नीचे या फिर 30 तक भी वो जा सकता है, समझ रहे हो। तो वो जितना 30 की तरफ रहेगा इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, उतना आपको बेटर माइलेज इस गाड़ी में ऑफर किया जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज ए, देन आपका ट्रिप ए नीचे दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, देन आपको अगर ट्रिप बी पे डालना है फिर वो एवरेज बी भी यहाँ पे दिखाएगा, ये देखो। अभी करेंटली शहर में मुझे 13.6 या 14 का मुझे माइलेज मिल जाता है इस गाड़ी में,
ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिप बी पे 719 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, और क्या क्या डेटा यहाँ पे है, ऑडोमीटर रीडिंग दिखाता है। अभी कुछ गाड़ी को कल ही 2 महीने हुए हैं, तो कुछ यहाँ पर 4048 ऑडोमीटर रीडिंग है मेरी, इतनी गाड़ी चल चुकी है। और ऊपर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको दिखा रहा है, करेंटली 212 किलोमीटर का अभी डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, और वापस बैक टू ये वाली स्क्रीन आ जाते हो। अब ये जो टाइम है, कभी मिसमैच हुआ ठीक है, या इस टाइम को अगर आपको 24 आवर फॉर्मेट में डालना है तो वो कैसे आप करोगे, तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ से आप यहाँ पे जाओगे ठीक है, आप सेट बटन दबा देना। तो सबसे पहले सेट बटन दबाते ही आपको इल्यूमिनेशन सेट आ जाएगा यहाँ पे, कि आप अपनी इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लाइट कितनी सेट करना चाहते हो, कभी कम कभी ज़्यादा करना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेवल्स दिए हैं। आप 1, 2, 3, 4, 5 तक का इसको सेट कर सकते हो, और जैसे ही 5 पे सेट कर दोगे कुछ सेकेंड्स रुको, वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आपको यहाँ पे टाइम चेंज करना है ठीक है, समझो अभी एक्चुअल में 6:09 हो रहे हैं, बट इसमें दिखा रहा था 5:09, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेट बटन पे जाओगे, फिर आप मोड बटन पे क्लिक करना, वो 6 पे अभी देखो वो ब्लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप 6 को सेट कर सकते हो, फिर उस सेट बटन को दबा के रखना, फिर वो आगे सेकंड्स वाले इस पे आ जाएगा, मिनट वाले इस पे आ जाएगा सॉरी, ओके, फिर वापस दबा के रखोगे वो लास्ट यूनिट पे आ जाएगा, और फिर से आप दबा के रखोगे तो वो AM या PM आप सेट कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे AM या PM सेट किया जा सकता है, ठीक है दोस्त। देन उसके बाद अगर आपको ये जो टाइम है 24 आवर फॉर्मेट में आपको सेट करना है, कि आपको ये 6:09 नहीं 18:00 कुछ ऐसे दिखाए, तो आप ये मोड बटन को है ना दबा के रखो, तो ये यहाँ पे 18:09 दिखा रहा है, तो ये 24 आवर्स फॉर्मेट में आ जाएगा ये टाइम, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप अपना कुछ 12 आवर्स या 24 आवर्स फॉर्मेट में अपना टाइम देख सकते हो। तो यही है इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपका यहाँ पे डिस्टेंस 20 ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, और भाई अच्छा खासा लोडेड है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मुझे मतलब सारे बेसिक फीचर्स और कुछ हद तक आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा है। उसके बाद आपको इसमें जो मैंने बताया इल्यूमिनेशन आप सेट कर सकते हो, अक्सर क्या होता है ना इस बजट की गाड़ी में ये चीज़ें आपको नहीं मिलती। दूसरी चीज़ इस गाड़ी में जो सबसे ज़्यादा कमाल की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दी जा रही है वो है गियर इंडिकेटर और शिफ्ट इंडिकेटर इसमें दिखाता है। वो चीज़ मैं वहाँ पे मेन रोड पे चलता हूँ गाड़ी चला के दिखाता हूँ, ये गियर इंडिकेटर और शिफ्ट इंडिकेटर आज के टाइम में जो जो गाड़ियों में आ रहा है ना भाई, ये बहुत कमाल की चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको आइडिया नहीं होता कब गियर शिफ्टिंग करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा मदद करता है आपकी गाड़ी का माइलेज बेहतर करने में, समझ रहे हो आप। सो गियर इंडिकेटर एंड शिफ्ट इंडिकेटर बहुत काम की चीज़ है। अभी चलते हैं वहाँ पे और फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज़ है क्या। सो यस भाई, अभी मैं निकलता हूँ। यहाँ पे आप देखना सिर्फ इस बीच वाले पार्ट में, ये जो ब्लैक पार्ट है ना, आप इधर ध्यान देना, आपको जैसे ही मैं फर्स्ट गियर डालूंगा वो फर्स्ट गियर दिखाएगा, और जैसे ही मैं 2000 RPM के या फिर ये जो 2200 RPM के बीच में रहूंगा ना ठीक है, तभी मुझे शिफ्ट इंडिकेटर आएगा, यानी कि जब मैं फर्स्ट गियर को उसको 2000 RPM तक खींचूंगा तो उस 1 के बाजू में ऐसा एक अप एरो अर्क करके आएगा, ठीक है, अप वाला एरो, ठीक है, यानी कि वो अप शिफ्ट करने को बोल रहा है। और जब मैं कोई फोर्थ या फिफ्थ गियर में रहूंगा और मेरी स्पीड कम रहेगी तो मुझे बोलेगा वो डाउन शिफ्ट करने के लिए। तो गियर इंडिकेशन यानी कि वो 1, 2, 3, 4, 5 गियर दिखा रहा है, और शिफ्ट इंडिकेटर यानी कि वो अपशिफ्ट या डाउन शिफ्ट होने को कह रहा है, ठीक है। अभी मैं फर्स्ट गियर डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये देखो मैंने फर्स्ट गियर डाला, वो देखो फर्स्ट के जस्ट बाद एक एरो आया था। अभी मैं सीधी रोड पे आपको दिखाता हूँ ये चीज, मैं जरा सा बस यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ। जब आपकी स्पीड स्लो रहती है ना तो वो चीज इतनी आपको शो नहीं करेगा, बट जब आप एक स्पीड को मेंटेन करते हो तो वो चीज आपको वहां पे दिख जाती है। अभी आप यहां पे देखिए, ठीक है, वो देखा फर्स्ट के बाजू में एरो दिखाया। अभी मैं दूसरे गियर में आ गया, ठीक है,
यहाँ पे दिखाएगा दूसरा गियर चल रहा है, जैसे ही 2000 RPM के ऊपर गया वो अपशिफ्ट करने को बोल देता है। अब मैं तीसरे गियर में आ गया तो तीसरा गियर मुझे दिखा रहा है वहां पे 2000 RPM के ऊपर जाते ही वो मुझे बोलेगा अपशिफ्ट करने के लिए, ये देखो। तो ये चीज भाई बहुत सही है, जो लोगों को इतना कोई नॉलेज नहीं है कब शिफ्टिंग करनी चाहिए गियर की एंड ऑल, और ये चीज वो आपको गाइड करता है। और दूसरी चीज, गाइड के दौरान ये आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी निकाल के देता है। अभी मैं फोर्थ गियर में हूं, मैं स्पीड कम कर लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, मैं समझो मैं फिफ्थ गियर डालता हूं और मैं यहां पे देखो मैं फिफ्थ गियर में गाड़ी चला रहा हूं, वो नीचे का एरो दिखा रहा है देखो, यानी कि वो कह रहा है डाउन शिफ्ट करो, और मैंने ये डाउन शिफ्ट किया, मैं फोर्थ गियर में आ गया, अब गाड़ी प्रॉपर है। अब जैसे ही फोर्थ गियर में क्या होगा कि मैं 2000 RPM के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, अभी भी वो डाउन शिफ्ट बोल रहा है बिकॉज पावर लैग है। और यहाँ पे अभी यार रोड ही खत्म हो गया, मैं आपको रिटर्न में ये चीज दिखा देता हूँ, एक मिनट। जब हायर स्पीड पे होता है ना तो इंजन पावर लैग करता है, मतलब जब आपकी स्पीड लो होती है और आपका गियर पांचवा या चौथा होगा और उतना पावर आपको नहीं मिल रहा है, गाड़ी बोलती है ना कि अजीब सा वाइब्रेट होने लगती है, तो वही चीज का हिसाब है। अब देखो मैं पांचवे गियर में हूँ, ठीक है, अब चौथे गियर में अगर मैं डालू गाड़ी, यहाँ पे पिकअप धीरे धीरे होगा, वो बोलेगा डाउन शिफ्ट करो, अच्छा पिकअप देगा। फिर जैसे ही मैं तीसरे गियर में आऊंगा और यहाँ पे मैं गया 2000 RPM के ऊपर, तो बोलेगा वो अपशिफ्ट करो, ठीक है। तो भाई यही पूरा हिसाब है। जैसे ही मैं चौथे में गया 2000 RPM के यहाँ पे, चौथे के बाद वो थोड़ा ये करता है कि ठीक है स्पीड आप पकड़ सकते हो, बट एटलीस्ट आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में वो उस हिसाब से गाइड करता है, समझ रहे हो आप। चौथे और पांचवे गियर में तो हालांकि आप तभी जाते हो जब आपको एक अच्छी सर्टेन स्पीड पकड़नी होती है। सो भाई ये गियर इंडिकेशन जो दिया है इस चीज में, ये बहुत कमाल की चीज है। ऑल्सो अगर मेरे बाजू में कोई पैसेंजर बैठा होता, अगर उसने भी सीट बेल्ट लगाई होती तो फिर वो साइन हालांकि नहीं दिखाता, बट नहीं लगाई होती तो वो आवाज बजना शुरू हो जाती, या तो फिर वो इंडिकेशन यहाँ पे आ जाता है कि भाई सीट बेल्ट पहनो। तो भाई यही है पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये गियर इंडिकेटर जो शिफ्ट इंडिकेटर है, ये बहुत काम की चीज है लिटरली। हालांकि चलो ठीक है, जिसको ड्राइविंग आती है समझता है पूरा, उसके लिए तो ठीक है, बट अभी तो सर्विस रोड पे इसलिए यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। बट यार जिनको नहीं आती ना ये चीज़, ड्राइविंग इतना गियर का इतना समझ नहीं है, वो चीज़ बहुत काम की है। सो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, काफ़ी यूज़फुल है, और हर एक बेसिक फीचर है, बेसिक फीचर से भी ऊपर वाले फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं। सो दोस्तों आप बताओ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक आपसे लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको किस तरीके का कंटेंट चाहिए इस गाड़ी पे, मैं मॉडिफिकेशंस भी करूँगा, बट थोड़ा टाइम और रुक जाओ दोस्तों, मैं अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशंस इसमें करूँगा। मेरी रिसर्च चल रही है, सब कुछ चल रहा है कि मुझे टायर्स में भी कुछ अपग्रेड करना है वैसे टाइप, तो आएंगी सारी वीडियोस, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सब मुझे सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तो एक मन बना रहता है कि हाँ भाई काम अच्छा अच्छा अपने को डालना है। मिलता है अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।